हे गाइस, आज मैं सिलने वाली हूँ अस्तर वाली कुर्ती। सो इसके लिए मैंने कुर्ती पहले से ही काट कर रखी थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इसको आज अस्तर जोड़ना है, कटिंग के लिए, सिलाई के लिए लेना है। तो ये जो है, ये कपड़े को जैसा अस्तर लगाते हैं इसका, वैसे ही नेट को भी लगा लेंगे। इस पे डिजाइन है, इसीलिए ये डिजाइन, ये दो पत्तियां हैं, ये एक के ऊपर लेंगे ऐसा। और गाइस, ये मैंने काट कर रखा था, ये गला वगैरह सब। तो इसको ऐसा रखेंगे इसके ऊपर। अगर कॉटन का रहता है ये, तो आधा इंच ऐसा बाहर रखते, क्योंकि ज्यादा लेते हो, वो श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, इसी वजह से उसको थोड़ा सा बाहर लेते हैं, ऐसा ऐसा बाहर लेते हैं। लेकिन ये कॉटन का नहीं है, ये सिंथेटिक ही है। तो इसको ऐसा रखेंगे और कपड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही काटेंगे। और जैसे ये दुबली पतली लड़की है, तो इसका गला दो लेते हैं, तो ये मैं दो लूंगी यहां से। ये हो गया अभी अस्तर काटना, नेट के साथ अस्तर के साथ नेट काटना। अभी लेंगे पीछे वाला हिस्सा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि गले का साइड लेफ्ट हाथ पर लेते हैं, तो ये गले का साइड इधर मैंने लगा लिया लेफ्ट हाथ पे। अस्तर का सलवार बहुत इजी रहता है सिलना, सिलना थोड़ा भारी जाता है, लेकिन काटना बहुत इजी रहता है। तो ये रखा मैंने, ये पहला जो हिस्सा है वो रखकर देखेंगे ये बरोबर है कि नहीं। तो जैसे ये अपन ने बाहर बाहर से काटा था, वैसे ही इसको भी सिलने के बाद जो भी बाहर बाहर कपड़ा आता है उसको बाद में काटना पड़ता है फिनिशिंग के वक्त। और गाइस, ये मैंने बाही भी काट कर रखी थी, ये बहुत ही दुबली पतली लड़की है, और इसका मेजरमेंट है जो बॉडी का नाप लेने से 32 आता है उसका है। तो वो वीडियो मैंने पहले डाला है, तो आप अगर इसके बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने 32 साइज की कुर्ती कैसी काटी है।
अब ये बाही काटेंगे गाइस। ये हो गया बाही। बाही जोड़ने के बाद सामने का नाप लगाएंगे। नाप लगाने के बाद कट भी देंगे बाही को। ये सब कुछ हो गया गाइस। और मैंने वैसे भी गला काटना तो बताया ही था, तो मेरा ये अभी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो का वेट कीजिए गाइस। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स भी कीजिए।